भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में एटीएम के जरिए फ्रॉड करने वाले बाज नहीं आ रहे, लेकिन एक एटीएम हैकर बदमाश बैंक कर्मियों की सूझबूझ से वारदात से पहले ही फंस गया। रीको चौक पर स्थित विजया बैंक के एटीएम में गड़बड़ी करते समय बैंक कर्मियों ने उसे एटीएम रूम में बंद कर दिया। पुलिस ने बैंक की शिकायत पर हरियाणा के पलवल जिला निवासी आरोपी टेकचंद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर रमाकांत ने बताया कि विजया बैंक का एटीएम ब्रांच के बगल में ही है। 3 माह पूर्व इस एटीएम मशीन का कैंसिल बटन कोई बदमाश हैक कर गया था। बाद में इसके बाद कीपैड ही चेंज कर दिया गया और तब से बैंककर्मी नियमित एटीएम मशीन की निगरानी रखते हैं। 3-4 दिन पहले एटीएम की नियमित जांच में कीपैड का कैंसिल बटन फिर चिपका हुआ मिला। बैंककर्मियों ने इसे तत्काल सीसीटीवी फुटेज चेक किए, संदिग्ध का हुलिया भी पता लगा लिया। हुलिया वाला वही युवक एटीएम उस वक्त पहुंचा जब ग्राहक अपने पैसे निकाल रहा था। उसने ग्राहक को बातों में उलझाकर कारस्तानी शुरू की तो नजर रख रहे बैंककर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और एटीएम शटर गिराकर लॉक कर दिया। संदिग्ध युवक भी भीतर ही बंद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक से पूछताछ के लिए साथ ले गई। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी से कई वारदात खुलने की संभावना है। 5 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने विजय बैंक के एटीएम में घुस के और एटीएम मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी, इसके कीबोर्ड में फेविकोल लगा के। तो शक ये था कि उसने हैक करने की कोशिश की। गार्ड ने जब चेक किया उसको, जब तक वो जा चुका था, तो उस पर जब हमें सूचना मिली तो हम गार्ड को हिदायत दी कि दोबारा ये आदमी आए तो इस पर नज़र रखना और नज़र रखना और साथ में ये हो तो आप उसको मत बताना, हमें बताना। तो इस तरीके से ये 8 तारीख को ये आदमी पुणे आया। 2 आदमी थे, एक अंदर घुसा एक बाहर, और उन्होंने जैसे बैंक के कर्मचारी करते हैं एटीएम में पैसे डालने वाले, आधा शटर बंद करके रिकवरी की कोशिश की। तो गार्ड को शक होगा, गार्ड ने हमें बता दिया, तो हमारी टीम तुरंत पहुंची, जो भी दिखे और पहुँच के हमने इनको दबोच लिया, मतलब इसको जाने ही नहीं दिया। पूछताछ में कुछ सामने है? पूछताछ में अभी पूछताछ जारी है, कल ही ये वारदात हुई है तो अभी उनसे पूछताछ जारी है। अभी उनसे प्रोडक्शन वारंट पर लेके उनसे पूछताछ की जाएगी, बिकॉज मैटर सीरियस है। पहले भी इन्होंने किया है, उन्होंने पूछताछ में पूरे तौर पर स्वीकार किया है कि पहले भी हमने ऐसी वारदात की, लेकिन ये कहाँ कहाँ करी, किस किस बैंक में करी, ये सब विस्तृत विवरण अभी उसका चल रहा है। ये एक्चुअली SHO साहब स्वयं इसकी जाँच करें। थैंक यू। आरोपी कहाँ करें, इन्होंने क्या नहीं? आरोपी इसमें 2 आरोपी हैं, एक तो टेकचंद जाटव और दूसरा सुभाष चंद्र जाटव, दोनों ही पलवल के रहने वाले हैं और इनके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है बैंक मैनेजर, विजय बैंक मैनेजर ने, श्री हनुमंत शरण त्रिपाठी।